गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आज जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है परागण और निषेचन में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए, हम पूरा परागण भी पढ़ चुके हैं कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, सब पूरा पढ़ चुके हैं, और निषेचन भी पढ़ चुके हैं। ठीक, बीजान में जो हमने पिछला वीडियो बनाया था वो निषेचन बता दिया था, तो हम दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपसे इन दोनों में अंतर पूछा जाए कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? तो इसीलिए कि हम आज ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि हम बता सकें कि परागण और निषेचन में अंतर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, परागण और निषेचन में अंतर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, और आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। ठीक, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है परागण और दूसरी तरफ है निषेचन। ठीक, परागण क्या होता है कि जैसे ये परागकोष है, ठीक, ये परागकोष है और उन परागकोषों से, जैसे ये परागकोष है और इन परागकोषों से जो इसमें ये परागधानियां है और उसमें परागकण भरे हुए हैं, तो जब ये फट जाएगा तो यहां से परागकण मुक्त हो जाएंगे और कहां पहुंचेंगे? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ठीक, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और वर्तिकाग्र पहुंचकर जाकर क्या करेंगे? निषेचन करेंगे, तो यहां पर आएंगे। तो पराग कोष से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पहुंचेंगे तो इसे क्या कह देंगे? परागण कह देंगे। ये ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो पहला पॉइंट, पराग कोषों में बने परागकण, परागकोष कहाँ बन, पराग कोषों में क्या बनते हैं? परागकण। उसी जाति के वर्तिकाग्र पर, मतलब जो पौधा लगा हुआ है तो उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे या उसी पौधे के दूसरे वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे या फिर दूसरे पौधे पर जाकर गिरेंगे। ठीक, ये आपका स्वपरागण और परपरागण की विधियाँ आपको बताई चुके हैं उसमें। तो यही लिखा हुआ है, पराग कोषों में बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले। निषेचन क्या होता है? इस क्रिया में, अर्थात निषेचन की क्रिया में, नर युग्मक मेल गैमीट तथा मादा युग्मक फीमेल गैमीट का संयुग्मन अर्थात फ्यूजन होता है। ठीक, तो क्या होता है निषेचन? निषेचन में क्या होता है कि जो हमारा नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है, ये दोनों को क्या होता है? संयुग्मन होता है। इसके लिए क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, अगला, पर परागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल व कीट, पतंगे, इन सब की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर परागण में क्या होता है? एक पुष्प के पौधे, जो एक जो पुष्प होता है उसके परागकण एक पुष्प, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। तो ये एक पौधे से जब दूसरे पौधे पर परागकण जाएंगे तो इनको किसी न किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फिर वायु के द्वारा जाएं, चाहे वो कीट पतंगों के द्वारा जाएं, फिर चाहे वो जल के द्वारा जाएं। तो ये है परागण की, माध्यमों की आवश्यकता होती है इसमें। तो परपरागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, कीट पतंगे आदि। ठीक, जबकि इसमें क्या है, यह क्रिया पराग नलिका, हम जान चुके हैं कि यहाँ से जो परागकण आता है, परागकण क्या करता है, यहाँ से पराग नलिका निकलती है जो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो यह क्रिया पराग नलिका अर्थात पराग नलिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब के बीजांड, बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल, में पहुंचने पर होती है। जब पराग नलिका बीजांड के अंदर पहुंचती है तो क्या होते हैं? नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं और फिर वो मादा युग्मक और द्वितीयक केंद्र के साथ क्रिया करके द्वारा निषेचन कर लेते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, यह क्रिया पराग नलिका अर्थात पॉलन ट्यूब के बीजांड अर्थात ओव्यूल में पहुंचने पर होती है, इस क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जैसा कि हम निषेचन में पढ़ चुके हैं पीछे। अगला, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक परागकण परागकोष से निकलेगा नहीं और वर्तिकाग्र पहुंचेगा नहीं तो निषेचन होगा कैसे? ठीक, तो इस क्रिया के लिए, निषेचन की क्रिया के लिए पहले परागण का होना आवश्यक है। तो यह क्रिया निषेचन से पहले होती है और परागण के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। तो यह क्रिया परागण के बाद होती है, जो निषेचन क्रिया होती है वो क्या होती है? परागण के बाद होती है। तो ये हमारा हो गया परागण तथा निषेचन में अंतर, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हो गया। अब देखिए, आपको बता दें कि आप कोर्स की चिंता ना करें, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार हम आपका कोर्स लगभग 1.5 महीने में समाप्त कर देंगे।
ठीक, पक्का निश्चित है कि हम 1.5 महीने में आपका कोर्स समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक जो आपके इंटर में मैंने पढ़ाए हैं और कुछ वही टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक हाई स्कूल में है, तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे। आप केवल बस तैयारी करते रहिए, जितना भी पढ़ा दिया है आप उसको पूरा तरीके से तैयार करिए, क्योंकि आपको बाद को हो सकता है समय कम मिले, क्योंकि सभी विषयों को पढ़ना पड़ेगा बाद में। तो अभी आप धीरे धीरे करके एक एक वीडियो अगर तैयार करेंगे तो आराम से आपका जब तक परीक्षा आएगी तब तक आपका पूरा तैयार हो चुका होगा। तो आप कोर्स की चिंता बिल्कुल ना करें, केवल अपना तैयार करें, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ें, उसको समझें, और हो सके तो एक बार दो बार उसको लिखने का अभ्यास करें, बिना देखे उसे लिखें, ठीक। इससे आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज केवल इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।